हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने एमएसओ 2 की रिवीजन में, एमएसओ 002 रिसर्च मेथडोलॉजीज की रिवीजन में ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, दैट इज द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के स्टेप पे हम लोग बात कर लेते हैं। डिटेल में ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं बार बार हर वीडियो में मेंशन कर रही हूँ, बिकॉज समवन विल से कुछ ना कुछ स्टूडेंट कमेंट में बोलेंगे, अरे इतना शॉर्ट में आप बता रहे हो, आपने बताया ही क्या, आपने समझाया ही क्या है। तो समझा मैं ऑलरेडी ये कंटेंट चुकी हूँ, यहाँ पे हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, जिससे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ऑल्दो मेरी बातों से भी हो रहा है, बट ठीक है, मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं आपको बहुत शॉर्ट में चीजों को दोबारा से रिकॉल करा रही हूँ, जो चीजें आप पढ़ चुके हैं। और अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो ऑलरेडी अवेलेबल वीडियो है, यूट्यूब पे है, पेड क्लासेस में है, वहां से पेड क्लास वाले स्टूडेंट कवर कर सकते हैं दोनों जगह से, एंड यूट्यूब के स्टूडेंट यूट्यूब की ऑलरेडी अवेलेबल वीडियो देख सकते हैं। डन। तो रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप फॉर्मुलेशन करते हो रिसर्च प्रॉब्लम की, रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढते हो जिसमें आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, मतलब जो भी टॉपिक के बारे में आपको जानना है, आपको रिसर्च करनी है, आप उसके बारे में जितनी भी लिटरेचर, जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, आप उसकी स्टडी करते हो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, रिसर्च का जो आपका वेरिएबल्स वगैरह है आप उनको चूज करते हो, और एक हाइपोथेसिस सेट करते हो। हाइपोथेसिस अलग से भी हम लोग देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इस हाइपोथेसिस क्वेश्चन बन सकता है। फिर रिसर्च डिजाइन बनाते हो, हाउ यू विल कंडक्ट योर रिसर्च, आप आगे की पूरी रिसर्च कैसे करोगे, आप उसका एक डिजाइन प्रिपेयर करके चलते हो। फिर आप क्या करते हो, डेवलपिंग डेटा, आप डेटा कलेक्ट करने की, यहाँ पे मतलब डेटा कैसे लोगे ये बात करते हो, कौन से टाइप ऑफ डेटा यूज करोगे, मेथड्स डेटा कलेक्शन के लिए क्या यूज करोगे, जैसे कि सर्वे होता है, क्वेश्चनियर होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, तो यहाँ पे आप वो सारी चीजें सेट करते हो। सैंपल्स अगर लेनी है, मतलब अगर आपको पूरी ओवरऑल स्टडी नहीं करनी है, आप कुछ सेलेक्टेड लोगों पे स्टडी करना चाहते हो, तो आप सैंपल सेलेक्ट करोगे, कौन से टाइप ऑफ सैंपल आप लोगे, ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी मल्टीपल सैंपल्स होते हैं, तो आप कौन से सैंपलिंग टेक्निक यूज करोगे। फिर रिसर्च का प्रपोजल लिखोगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस रिसर्च, इस रिसर्च की जरूरत क्या है, इसका बेनिफिट क्या होगा, टाइप्स ऑफ डेटा क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें आप रिसर्च के लिए यूज करोगे। देन यू विल स्टार्ट कलेक्टिंग द डेटा, इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चनियर के थ्रू, शेड्यूल के थ्रू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या तो आप उस जगह पे जाके रह के खुद से इन्फॉर्मेशन लोगे, तो ये आप डेटा कलेक्ट करोगे, जो भी मेथड आपको लेना है उसके थ्रू। फिर आप डेटा को कलेक्ट हो गया, आप हमारे पास आ गए, उसे एनालाइज करेंगे ना, उसको इकट्ठा करेंगे, एक जगह प्रॉपर क्लासिफाई करेंगे, टेबल में प्रेजेंट करोगे, या फिर उसे, या फिर उसको ग्राफ के थ्रू, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है वो चूज करोगे। फिर जो आपने हाइपोथेसिस सेट किया था, जो रिसर्च का आपने टॉपिक लिया था, इशू लिया था, प्रॉब्लम लिया था, जो आप जिस पर्पज से रिसर्च, जिस टॉपिक पे रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे, वो टेस्ट करोगे क्या वो हाइपोथेसिस सही है या नहीं है, और फिर एक जनरलाइज स्टेटमेंट अपनी रिसर्च के बेसिस पे दोगे और रिसर्च रिपोर्ट लिखोगे। राइट, रिसर्च रिपोर्ट इज द लास्ट स्टेप, जिसमें देखो आप लास्ट में, आप छोटे पे प्रोजेक्ट भी बनाते थे हम लोग, तो बिब्लियोग्राफी लिखते थे, अपेंडिक्स लिखते थे, टेबल ऑफ कंटेंट, ये सब चीजें आप रिसर्च रिपोर्ट पे मेंशन करोगे। जनरलाइजेशन यहीं पे हो जाएगी जब डेटा को एनालाइज कर लोगे, कि आपने जो चीज सोची थी, जो हाइपोथेसिस सेट करा था, वेदर इट इज ट्रू और नॉट, वो आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देन आप एक जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट राइटिंग योर रिसर्च रिपोर्ट, एंड ये आपका फाइनल स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस में। सो इस तरीके से आप ये स्टेप्स के नाम भी अगर याद कर जाओगे, तो एग्जाम में आप अंदर का कंटेंट बना के लिख सकते हो, हाईलाइटेड वे में आप लिखना स्टार्ट करना। रिसर्च प्रोसेस भी अगर आपसे सीधा एग्जाम में पूछता है, तो पहले आप मीनिंग बताओगे रिसर्च का, एंड देन यू विल स्टार्ट प्रेजेंटिंग दिस। आप थोड़ा सा इस फॉर्म में चाहो तो हाफ पेज में रिसर्च का स्टेप वन यहां लिख दिया, स्टेप टू यहां लिख दिया, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, स्टेप सिक्स, इस तरीके से आपने पहले एक चार्ट फॉर्म में इसको शो कर दिया हाफ पेज पे, और फिर लेटर ऑन आपने इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके स्टार्ट कर दिया समझाना। मतलब आधे पेज पे आप रिसर्च का मीनिंग बता सकते हो, आधे पेज पे आप ये रिसर्च के स्टेप का एक चार्ट या टेबल इस तरीके से एरो कर करके बना सकते हो, और फिर अगले पेज से इसको एक्सप्लेन करना, अगले तीन पेजों में आप इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर सकते हो। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, होप इट हेल्प्स, एंड आपको समझ में आया किस तरीके से आप आंसर को स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट कर सकते हो, और चीजें क्लियर हो रही है, और इस तरीके की वीडियो बेनिफिट कर रही है। अगर कर रही है तो प्लीज डू लेट मी नो, सो दैट मैं और वीडियो क्रिएट करूं। आप पुरानी वीडियोस देख चुके होंगे, तो रिवीजन के लिए छोटी छोटी वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। सो प्लीज मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि इस तरीके की चीजें कंटिन्यूटी में रखूं मैं, अभी कंप्लीट करें हम पूरे दिन इस तरीके से, और आप लोगों ने पुरानी सारी वीडियोज देख ली है या नहीं, या कितनी पेंडिंग है, वो सब भी अपडेट आप लोग मुझे एक बार कमेंट पे देंगे। विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।